नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हमेशा के तरह ही इस बार फिर से हम आपके लिए लेके आए एक और अपडेटेड वीडियो, नॉलेज शेयरिंग वीडियो। जो आज इसमें हम बात करेंगे एचआरए के बारे में, हम बात करेंगे कि न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब किसमें हमें एचआरए की एग्जम्पशन मिलती है और कितनी एग्जम्पशन मिलती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। इसके ऊपर हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। बहुत बार देखा है कि काफी लोग आईटीआर फिल कर देते हैं लेकिन उसमें वो एचआरए की एग्जम्पशन नहीं ले रहे होते हैं, या फिर रहता है कि वो ऑफिस में न्यू टैक्स रिजीम तो ऑप्ट कर लेते हैं लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि यार ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे क्या एचआरए मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। तो काफी सारे डिसीजन उनको बाद में लगता है कि यार ये मुझे पहले पता होता तो मैं मेरा अच्छा खासा टैक्स बचा सकता था। सबसे पहला कंफ्यूजन आपका कि क्या न्यू टैक्स रिजीम में मुझे जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ एज ए सैलरीड पर्सन और मुझे एचआरए अलाउंस मिल रहा है मेरे सैलरी ब्रेकअप में, तो क्या उस रेंट के अगेंस्ट मुझे कोई टैक्स सेविंग टैक्स में बेनिफिट मिलेगा अगर मैं न्यू रिजीम में हूं तो? दोस्तों जी नहीं, न्यू रिजीम में आपको उस रेंट से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ओल्ड रेजिम में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट कितना मिलेगा ये भी हम बात करेंगे, लेकिन न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा ये कहाँ लिखा हुआ है ये भी मैं आपको सेक्शन में ले जाके आपको वहां पढ़ाता हूँ और वहां दिखाता हूँ कि क्यों नहीं मिलेगा, और ओल्ड रेजिम में मिलेगा तो कितना मिलेगा मैं वो भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये है सेक्शन 115 BAC आपके सामने। इस सेक्शन में लिखा हुआ है दोस्तों फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन वन, तो सबसेक्शन वन में न्यू रिजिम की बात करी हुई है कि न्यू रिजिम में ये टैक्स रेट एप्लीकेबल है, ऑल्दो भी फाइनेंस नए वाले के हिसाब से इसको भी अपडेट नहीं किया है, ये जल्दी अपडेट हो जाएगा पोर्टल पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी। तो न्यू रिजिम में इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई आप न्यू रिजिम में ले लो लेकिन आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, और ये कहाँ लिखा है ये लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन वन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और HUF शैल बी कंप्यूटेड विदाउट एनी एग्जम्पशन और डिडक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लोज 5 और क्लोज 13A। यहाँ पे आप ध्यान रखना 13A ये आगे और क्लोज चलते आ रहे हैं ऑफ सेक्शन 10 और सेक्शन 10AA। तो सेक्शन 10, ये सेक्शन 10 जो एग्जम्पशन की बात करता है इसका क्लोज 13A, ये क्लोज 13A ही बात करता है दोस्तों एचआरए के बारे में, रेंट के बारे में, हाउस रेंट के बारे में। मैं आपको लेके चलता हूँ सेक्शन 10 पे। ये सेक्शन 10 अपन ने ओपन कर लिया दोस्तों, अब चलते हैं अपन क्लोज 13A पे। इससे आपको पोर्टल पे कैसे सेक्शंस देखते हैं वो भी समझना आएगा। ये है 13A, एनी स्पेशल अलाउंस स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू एनएससी बाय हिज एम्प्लॉयर टू मीट एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी टू द एक्सटेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैविंग रिगार्ड टू द एरिया और प्लेस इन विच सच अकोमोडेशन इज सिचुएटेड एंड द रिलेवेंट कंसिडरेशन। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग क्या है, इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। तो आपकी इनकम में ये इनकम इंक्लूड नहीं होगी, तो जो आपको एचआरए की इनकम हो रही है वो इंक्लूड नहीं होगी जो रेंट की इनकम हो रही है। ये कहाँ लिखा, अगेन 13A में। अब मैं वापस एक बार आपको रीड कराऊंगा, 13A में लिख दिया कि भैया अगर आपको ऐसा कोई अलाउंस मिल रहा है जो आपने कोई हाउस अकोमोडेशन ले रखा है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ले रहा है, उसके रेंट के अगेंस्ट आपको अगर कोई अलाउंस मिल रहा है तो उसका वो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन कितना नहीं होगा, टू सच एक्सटेंड एज में भी प्रेस्क्राइब, उस लिमिट तक जो प्रेस्क्राइब करी गई है। साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस एरिया में है आपका वो घर जो आपने किराए से ले रखा है। अब जो लिमिट प्रेस्क्राइब करी हुई है इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 80, इस 80 पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखा रहा है रूल 2A। ये बोल रहा है कि भैया रूल 2A में जाओ, वहां हम आपको बताएंगे कि क्या लिमिट है। आइए दोस्तों रूल 2A में चल लेते हैं। ये रहा रूल 2A, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम सैलरी लिमिट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A 2A। ये आ गया रूल, इसमें लिख दिया उन्होंने कि भैया जो अलाउंस आपको मिला है बेसिकली एचआरए जो आपको मिला है वो कितने की आपको एग्जम्पशन मिलेगी, द अमाउंट व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंसेस रेफर्ड टू इन क्लोज 13A ऑफ सेक्शन 10 सेल बी। ये होगा वो अमाउंट, क्या होगा एक्चुअल अमाउंट जो आपको मिला, पहला तो वो अमाउंट बाय व्हिच द एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एसएससी, कि पहला तो आपको क्या जो आपको एचआरए अमाउंट मिला आप वो लिख लो एक पेपर पे कि भैया मेरे को इतना मिला। दूसरा आपने कितना रेंट दिया इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम एक्सीड 1/10 ऑफ अमाउंट ऑफ सैलरी ड्यू टू द एसएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, कि आपने जो रेंट दिया है ना वो आपकी सैलरी के 10
10% से कितना एक्सीड हो रहा है वो अमाउंट आप लिख लोगे। दूसरा, एंड अमाउंट इक्वल टू वेयर सच अकोमोडेशन इज सिचुएटेड एट बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। अगर यहां पे आपका ये है तो आपको क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ सैलरी। एक अमाउंट लिख लो आप, वन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ सैलरी, अगर आपका अकोमोडेशन इन शहर में है। अगर इन शहर में नहीं है तो 2/5 ऑफ द अमाउंट ऑफ सैलरी, एक कैलकुलेशन आप ये लिख लो। सैलरी का मीनिंग इन्होंने बताया कि सैलरी कहीं ना कहीं हमने लिख के दे दिया है, तो ये सैलरी मैं आपको बता दूं, ये बेसिक सैलरी की बात कर रहा है। अब मैं आपको एक एक्सेल के माध्यम से दिखाऊंगा कि कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है। डेफिनेटली ये कैलकुलेशन भी आपको समझ नहीं आई होगी, तो मैंने एक कैलकुलेशन यहाँ पे लिख ली कि भैया मेरी ये डिटेल है, मेरे जो एम्प्लॉयर ने दिया है मुझे ये दिया है, बेसिक सैलरी वो मुझे दे रहा है 60,000 की, एचआर मुझे दे रहा है 30,000 का, रेंट जो मैं पे कर रहा हूँ, रेंट पे मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 40,000 रुपये महीने का। अब चलते हैं वापस, क्या क्या कैलकुलेशन आ रही है। पहली कैलकुलेशन आ रही है ए में, अमाउंट ऑफ सच अलाउंस रिसीव्ड बाई एनसीसी, तो आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ 30,000, तो मैंने ए में लिख लिया 30,000 मुझे रिसीव हुआ। दूसरा, अमाउंट बाई विच द एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाई द सीसी इन पेमेंट ऑफ रेंट, कि आपने कितना रेंट दिया है, एक्सीड 1/10 ऑफ द सैलरी, तो आपकी सैलरी का 1/10 कितना है, ये आपकी बेसिक सैलरी रही दोस्तों, इसको मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो इसका 1/10 है 6,000 रुपए। तो अब आपका रेंट कितना एक्सीड हो रहा है 6,000 से, आपने एक्चुअली में रेंट दिया ये 40,000 रुपया, 40,000 आपने रेंट दिया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 40,000 और 6,000 में, यहाँ पे 34,000 रुपये आप देख सकते हो। B3 40,000 माइनस 10% ऑफ B1 बेसिक सैलरी, तो आपको बेसिक सैलरी का 10% निकालना है और उसको डिडक्ट कर देना है एक्चुअल रेंट में से, तो ये आपका 34,000 एक कैलकुलेशन आ गई। दूसरी, एंड अमाउंट इक्वल टू कितना, अगर आपका अदर शहर में है, मैं मान के चल रहा हूँ मेरा बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास में नहीं है, अदर शहर में है, तो 2/5 ऑफ द अमाउंट ऑफ द सैलरी, सैलरी कितनी थी 60,000, इसका 2/5 आपको कर लेना है, इसका 2/5 आपने कर लिया, सैलरी मल्टीप्लाई बाई 2/5, और अगर आपका इन चार सिटी में होता तो मुझे 1/2 करना पड़ता, ये मुझे करना पड़ता दोस्तों। अब नीचे क्या लिखा है, तो क्या ये तीनों मुझे एग्जम्पशन मिलेगी, नहीं, इतने तीनों के टोटल थोड़ी एग्जम्पशन मिल सकती है। आपको रिसीव तो एचआर 30,000 का हुआ है, क्या आप इनके 88,000 एग्जम्पशन ले लोगे, नहीं, आपको टोटल नहीं मिलेगी, इन तीनों में से विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको मिल जाएगा। इन तीनों में से लोअर कौन सा है दोस्तों, इन तीनों में से लोअर ये लो, हमें पता है इन तीनों में से लोअर 24,000 रुपए है, ये लो ये 24,000 रुपए इन तीनों में से लोअर आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ लिखा हुआ लोअर, विच एवर इज द लीस्ट, तो तीनों में कम कौन सा है वो, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी मान लो कि आपकी, लेट सपोज यहाँ पे आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका एचआरए रिसीव्ड था, मान लो आपकी बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपया, आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख, एचआरए आपका 50,000 रुपया, अभी मान लो आप 75,000 का रेंट दे रहे हो, ये लो जी इस कैलकुलेशन में भी आ गया लोअर ऑफ 40,000 का आपको एग्जेंशन मिल जाएगी। कैसे, पहला कैलकुलेशन एचआरए रिसीव्ड, एचआरए कितना मिला, दूसरी कैलकुलेशन रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, रेंट कितना था 75,000, 1 लाख का 10% 10,000, तो ये आ गया 65,000, ये कौन सा था, 2/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 2/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 2/5 की जगह आप ऐसा ही पढ़ सकते हो इसको, 40% ऑफ बेसिक सैलरी, अगर आप उन चार सिटी के अलावा कहीं हो तो, अदरवाइज 50% आ जाएगा, ये लो जी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई, ये लोअर ऑफ ये 40,000 रुपये यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया। कुछ भी अमाउंट आप यहाँ पे डालिए, मान लो मेरा 80,000 रुपया था, मेरा एचआरए मान लो 45,000 रुपया था, मेरा रेंट मान लो 25,000 रुपया था, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दिया 17,000। अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, मैं आपके साथ एक कैलकुलेटर भी शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या इस वीडियो से आपको एचआरए के रिगार्डिंग चीजें क्लियर हुई, वापस मैं रिपीट कर देता हूं, क्या एचआरए न्यू रिजाइम में मिलेगा, नो, न्यू रिजाइम में एचआरए का बेनिफिट नो बेनिफिट, एचआरए नो बेनिफिट इन न्यू रिजाइम नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन कैसे होगी, ये तीन कैलकुलेशन आपको करनी है, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना आप कोशिश करो ये सब आप डिक्लेयर करो आपके एम्प्लॉयर के पास, डिक्लेयर करना ना भूले, और जब वो आपसे जनवरी फरवरी मार्च जब भी आपसे वो एक्चुअल प्रूफ मांगे, एक्चुअल प्रूफ सबमिट करना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि अगर फॉर्म 16 में एग्जम्पशन दिखेगी तो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए, अदरवाइज अगर आप फॉर्म 16 में एग्जम्पशन नहीं लोगे, बाद में आप आईटीआर भरते समय लोगे, तो हो सकता है आपको इनकम टैक्स के किसी प्रकार के नोटिस का सामना करना पड़े कि भाई आपके एम्प्लॉयर ने तो आपको एग्जम्पशन दी नहीं, आप कैसे ले रहे हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई ना कोई नोटिस आपके पास आ जाए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको
एक सही तरीका बता रहा हूँ रेंट का बेनिफिट क्लेम करने का, कि आपको डिक्लेयर करना है अभी आपके एम्प्लॉयर के पास, और फिर जब एक्चुअल वो प्रूफ मांगे उस समय आपको एक्चुअल प्रूफ देने, जिसमें रेंट एग्रीमेंट वो आपसे मांग सकता है, रेंट रिसिप्ट मांग सकता है, पेमेंट के स्क्रीनशॉट आपसे मांग सकता है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।